बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के हवाले से, ईद को लेकर के जो रेसिपियों का सिलसिला शुरू था वो भी जारी है। बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमने जो मिशन शुरू किया हुआ है वो भी जारी है। कोरोना वायरस को लेकर के जो हमारा मजदूर तबका डिस्टर्ब है वो भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। बहुत ज्यादा मुझे कॉल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे मेरी बहनों के घर से, खवातीन के, कि ये लहसुन और अदरक को किस तरीके से हम लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। हम वो पेस्ट बना के रखते हैं तो खराब हो जाती है। वेरी सिंपल, मैं आपको बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं ईद को लेकर के, या रेस्टोरेंट पे जो मेरे लोग सुन रहे हैं वो किस तरीके से 5 किलो 10 किलो इसको बना के सेव कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा। तवज्जो से मेरी बातें, टिप्स एंड ट्रिक को समझिएगा। ये व्यूअर, मैंने ये देखें लहसुन भी छील के रख लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, खुश कर लिया, पानी नहीं होना चाहिए। नंबर वन टिप्स, ना इसमें पानी हो ना अदरक में पानी हो, ये बात तो जहन में रहे आपके। और ये लहसुन मेरे पास साबित है, मैं लहसुन किस तरीके से छीलता हूँ ये देखें। एक लहसुन ले लिया, किसी हार्ड चीज पे रख ले इस तरीके से, ऐ कोटना ले लो, ऐ कोटना नहीं होता या कोई भी सख्त चीज, मैं उसके ऊपर ऐसे मारता हूँ, देखें ये देखें, ये सारा छील जाता है। ये देखें, ये क्लियर हो गया, देखें उसी टाइम एक मिनट से पहले मैं इस तरह छीलता हूँ। ये देखें, ये देखें सब छील छूल के, ये देखें ये ऐसे भी छिल गया, ये निकल आया, ये देख लें। एक मिनट लगा मुझे, एक मिनट भी नहीं लगा। आप जिस तरीके से छीलते हैं तो वो आपको बड़ा टाइम लगता है, ये सबसे पहले टिप्स ये मैंने आपको बता दी। दूसरा तरीका क्या है, लहसुन को ले लिया, अच्छे तरीके से इसको छील लिया, खुश कर लिया, पानी का कतरा नहीं रहा बीच। मैंने 3-4 घंटे पहले छील के, ये ब्लेंडर का जूसर का जग ले लें, इसमें डाल दें, डाल दिया। अब आपने क्या करना है, तवज्जो से मेरी बात को समझें। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, ये कुकिंग ऑयल ले लें आप, किसी भी ब्रांड का ले लें, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं देखूंगा थोड़ा है, ज्यादा है, किस तरह है, यहाँ रख दें। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया, ये वाइट रंग का कलर का जबरदस्त किस्म का बहुत प्यारा समूद सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया। एक साल ये खराब नहीं होगा, तवज्जो से मेरी बात सुने। जग ले लें, कोई तोड़ना छोड़ना नहीं, इसी तरह ले लें, अदरक ले लें, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये ऑयल लें, कुकिंग ऑयल लें, वेजिटेबल लें, कोई भी ले लें, इसके अंदर डाल दें, इसको बंद करें, पानी का इस्तेमाल ना रखें कहीं भी। अगर आपके जग में पानी हुआ, मेरी बात सुने, जग में पानी हुआ, किसी चीज में पानी हुआ, खुश्क ना हुई कोई चीज, अगर आपके अदरक पे लहसुन पे पानी का इस्तेमाल हुआ, पानी लगा हुआ हुआ, आपने सही खुश्क ना किया टावल वगैरह से, तो खराब हो जाएगा। इसको बंद कर दें, ये देखें अब ये मेरे पास कैसा पेस्ट आया, ये देखें इस तरीके का आ गया, ये देखें इस तरह का बन के आ गया मेरे पास। अब आप इसको अलग जार में रखें आपकी मर्जी, अलग बॉल में रखें आपकी मर्जी, मैं मिक्स कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि जहां पे मुझे यूज होता है मैं मिक्स करके यूज करता हूँ। जितने वजन का मैंने लहसुन लिया उतना ही वेट मैंने जो है ना इसका लिया, अदरक का लिया, मैं इसके अंदर मिक्स करने लगा हूँ। आपका जैसा दिल चाहे आप ऐसे करें, अलग बनाएं, अलग अलग रखें, इकट्ठा रखें, जो आपको अच्छा लगे वैसा करें, लेकिन ये एक साल खराब नहीं होने वाला। ये देखें मिक्स कर दें अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये देखें कितना प्यारा पेस्ट तैयार हो गया, ये देखें। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, इस तरीके से बनाएंगे तो ये एक साल तक मेरे भाइयों खराब नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगी हो, काइंडली दुनिया में मुझे जहां देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, मुझे पता है तुसी मेनू पसंद कर रहे हो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे भाइयों, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करेंगे, किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको भी लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।